गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सो आई एम लिटिल बिट नर्वस बिकॉज ये जो है जेली काइंड ऑफ आप देख रहे हो इस ग्लास में, इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। यस राइट, इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? तो गाइस आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी आखिरकार ये क्या है। तो ये एक जेली काइंड ऑफ मास्क है जिसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ और रिजल्ट आई डोंट नो। तो ये एक चैलेंज है जो मैं करने वाली हूँ जस्ट फॉर अ फन। तो गाइज मैं सोच रही थी कुछ हो जाए अलग सा वीडियो, तो मैंने इसको क्रिएट करने का सोचा। तो इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करने रही हूँ। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो और नए वीडियोस आप देख सको। तो गाइज आप देख सकते हो जब इसने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया ना, तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया और एक फिर से मैं एक लेयर ले रही हूँ जिसे मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? लाइक मुझे इस चैलेंज को करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लाइक मेरे आंखों में भी चला गया था। एंड ये ना थोड़ा सा नोज के जो नोज पे भी जा रहा था एंड ये मेरे लिप्स विप्स में पूरा, मतलब उसने मेरे फेस को पूरा कवर कर लिया था। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। तो मैंने सोचा कि कर लूँ, ये मेरी बहन का हाथ है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी इस वीडियो को क्रिएट करने में। तो अब मैं इसको कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये क्या है, लाइक आपके दिमाग में यही चल रहा होगा आखिरकार ये क्या है यार, ये क्या है। तो इसको लगाने पर मैं सांस भी नहीं आ रही थी, लाइक इसने मेरे पूरे फेस को कवर कर लिया था। सॉरी, तो इसने मतलब इसको करने में मुझे सही में बहुत टाइम लग गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मुझे अब पता लग रहा है कि मैं क्यों नर्वस थी। तो गाइज इसको लगाने के बाद मेरा फेस ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लासी ग्लासी लग रहा है, लगे ना देख सकता हूँ मैं बिल्कुल अजीब सा लग रहा है यार, व्हाट इज दिस। मुझे लग रहा था मेरे फेस पे किसी ने सलाइवा की उल्टी कर दी हो। माय गॉड, ये पूरा मतलब बहुत ही अजीब सा लगा गाइज इसको लगाने के बाद। तो मैंने सोचा कि इसको लगा के क्या छोड़ना है गाइज, थोड़ा सा मसाज करते हैं। तो ऐसे 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 मैंने इसको ना अपने फेस पे ऐसे ऐसे करा, तो डांस करने का भी मन कर रहा था मैंने इसको लगाने के बाद। मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा सूदन लग रहा था एक्चुअली, मैंने इसको लगा लिया। और लगाने के बाद आप मेरे फेस को देख सकते हो, यह है परम 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 सुंदरी, यह है परम 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 सुंदरी। तो गाइस ये लगाने के बाद ये आप देख सकते हो ये एक ना सलाइवा टाइप में, और ये मैंने पूरी तरीके से अपने फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। और लगाने के बाद ये मैं एक और लेयर अपने फेस पे चढ़ा रही हूँ। तो ये मैं बहुत थोड़ा सा ना थिक करके अपने फेस पे लेयर चढ़ा रही, तो मुझे करने में बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब मुझे इंटरेस्ट आ गया इसको करते करते। मुझे लग रहा था और डालूँ और डालूँ, और हर एक लेयर जब भी मैं चढ़ा रही थी ना उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था व्हाट इज दिस, लाइक ये देखो कितना गंदा। So guys, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है एंड यू कैन सी कि मेरा फेस थोड़ा सा रिजल्ट दिख रहा है। लाइक आप देख सकते हो ये वाला एरिया तो बहुत ज्यादा क्लीन लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है एंड नाउ मैं थोड़ा सा टॉवल से वर्किंग अ लॉट ऑन माय फेस, लाइक मुझे लग रहा है इसने मेरे फेस पे अच्छा खासा वर्क किया है। लाइक मुझे ना थोड़ा सा अपना फेस थोड़ा क्लीन एंड ब्राइट लग रहा है, लाइक यू नो ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन कर दिया है इसने मेरे फेस को एंड आई कैन सी द रिजल्ट गाइस, कैन सी इट। लाइक मैंने अभी तक मेरे फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, मैंने जस्ट अपने फेस को अच्छे से नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश करा है एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा गाइस क्या होगा ना, जब आप उसको अप्लाई करोगे अपने फेस पे तो उसको वॉश करने में थोड़ा सा आपको यू नो टाइम लगेगा, लाइक 2 से 3 वॉश के बाद वो अच्छे से निकल जाएगा। लाइक वो थोड़ा सा जेली जेली टाइप में, थोड़ा जेली में है तो उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड जब आप 2-3 बार अच्छे से वॉश करोगे अपने फेस को तो वो सारा क्लीन हो जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी में जैसे तैसे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ना मेरी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन भी कर लिया, लाइक ये मेरी स्किन टोन को थोड़ा सा अभी मतलब तुरंत आप बोलोगे कि तुरंत कैसे हो गया, बट मुझे लग रहा है इसने मेरे जो फेस का जो ऑयल था ना, लाइक मेरा फेस जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन का है तो मेरे फेस पे जितने भी ऑयल थे ना इसने वो सारा क्लीन कर लिया है एंड इसने सारे ऑयल जो एक्सेस ऑयल था वो सारा रिमूव कर गया, आप देख सकते हो।
तो मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है और मुझे ऑयल फ्री लग रहा है मेरा स्किन, सो मेरा फेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अब लगा सकते हो गाइस, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, तो मुझे ये यूज़ करके बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार जब मैंने इसको अप्लाई किया, तो गाइस ये एक चैलेंज था कि अगर आप फ्लैक्सीड अप्लाई करते हो तो आई डोंट थिंक कि इस वीडियो को किसी ने भी बनाया है, लाइक ये वीडियो शायद मैं फर्स्ट हूँ जिसने इस वीडियो को बनाया, लाइक इट्स अ चैलेंज गाइस। तो इस चैलेंज को मैंने कंप्लीट किया है। तो व्हाट इज दिस, लाइक इट्स का नाम है इशुगुल। तो इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा पैकेजिंग अभी आपको ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा इजीली। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके का नेट वेट, इसका 100 ग्राम का ये पैकेजिंग है और इसका कॉस्ट है ज़्यादा गाइस, ये थोड़ा महंगा महंगा नहीं आता है, ये 100 ग्राम का पैकेजिंग और इसका कॉस्ट है 110 रुपीज़। तो गाइस ये आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप से ले सकते हो, इजीली अवेलेबल होता है किसी भी ग्रॉसरी शॉप में। तो गाइस अगर आप इस चैलेंज को करना चाहते हो, लाइक आपको भी कुछ ऐसा क्रिएट करना है, तो आप ये क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, कैसा लगा है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। कुछ भी अप्लाई नहीं करा है एंड एज यू कैन सी मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन एंड ब्यूटिफुल लग रहा है। तो गाइस ये वाला फेस मास्क लगाने के बाद मुझे दो चीज़ मैंने नोटिस करी है, लाइक दो चीज़ मैंने नोटिस करी है। फर्स्ट, इसने मेरे स्किन से जो एक्सेस ऑयल था वो रिमूव कर दिया है, एंड सेकेंड इसने मेरे स्किन को जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया है, और मैं कह सकती हूँ इसने मेरे फेस को जो है थोड़ा सा इवन टोन भी मुझे नज़र आ रहा है। सो इसका जो रिज़ल्ट था, तो गाइस इसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है। तो यस, ये सक्सेसफुल मास्क है, आप अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पर। तो मैंने ये फर्स्टली ट्राई किया है, मैंने आज तक आई थिंक मैं बोलूँ कि मैंने अब तक इसके ऊपर वीडियो नहीं देखा। तो आपको हाफ टेबल स्पून डाल देना और फिर उसको होल नाइट सोक करके रख देना, और फिर या फिर आप 2-3 घंटे भी सोक करके रख देते हो, नॉर्मल वाटर से आपको सोक करके रखना है। तो ये कुछ जेली टाइप में अपने आप ही डेवलप मतलब बन जाएगा, जेली टाइप में ये बन जाता है। तो इसको गाइस आप जो है खा भी सकते हो, लाइक पीना है इसको राइट, तो इसको आप भिगो के रख सकते हो और फिर इसको लाइक थोड़ा सा शुगर मिक्स किया और थोड़ा एक ग्लास वाटर में आपको 2-3 चम्मच ये जब फूल जाएगा लाइक ये ना सोप होकर बहुत ही ज़्यादा थिक जेली टाइप में बन जाता है, जैसे मैंने अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाया है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और आप उसे जो है ग्लास में डाल सकते हो, लाइक 2 टेबलस्पून आपको वो लेना है और 1 ग्लास ऑफ वाटर मतलब ग्लास में आपको 1 ग्लास वाटर लेना है। तो 1 ग्लास वाटर में आपको 2 टेबलस्पून उसको मिक्स करना है, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा टेस्ट चाहिए आपको तो उसमें आप शुगर ऐड कर सकते हो, लाइक 1/2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर सकते हो और इसको मिक्स करके आप पी सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो किसी किसी का पेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आप उस तरीके भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज मैंने इस चैलेंज को कम्प्लीट किया है जस्ट इन 30 मिनट्स में। तो गाइज इसको करने में मुझे 30 मिनट से 1 आवर लग गया है। तो इस वीडियो को मैं एडिट करके आपको दिखा रही हूँ, बट ओरिजिनली आई कैन सी दैट द रिजल्ट, लाइक मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना वाव होने वाला है, लाइक ओ माई गॉड, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया। मुझे लगा था कि इसको करने के बाद कुछ नुकसान तो नहीं होगा, बट मुझे लगा कि इसको अगर हम खा सकते हैं यार तो हम फेस में भी तो लगा सकते हैं, कुछ रिजल्ट गलत नहीं है इसका, मतलब इसका कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया मेरे फेस पर अब तक। तो गाइज इसको मैं मोस्टली जो है हफ्ते में 2-3 बार लेती हूँ, लाइक खाती हूँ, तो ऐसे करके। तो गाइज अब मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है, तो गाइज मैंने सोचा कि बाकी मास्क अप्लाई करते हैं लोग, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो जो है फ्लैक्स सीड्स अप्लाई कर चुके हैं, लाइक बहुत सारे चैलेंजेस कर सकते हैं, लाइक किसी ने करा है 7 डेज आइस क्यूब चैलेंज, लाइक 7 डेज के आइस क्यूब अप्लाई करने पर मेरे फेस पे कैसा रिजल्ट आया, किसी ने किया है फ्लैक्सीड अप्लाई किया है, किसी ने मेथी अप्लाई किया है, ब्ला 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 बहुत सारे अप्लाई कर लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया वीडियो लाया जाए, तो उसके लिए मैंने जो है इस नए चीज़ का आविष्कार किया है, दैट इज़ इशुगुल। ओके, तो इसके नाम आई थिंक सभी को पता होगा। नाउ मैंने ये अप्लाई करके दिखा आपको मेरे फेस पे एंड इसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये चैलेंज गाइस आप सबके लिए था, और बहुत ही छोटा सा चैलेंज मैंने करके दिखाया, तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी इस वीडियो को बहुत अच्छा बनाने के लिए, इस वीडियो को बहुत ही क्लीन एंड क्लियर बनाने के लिए। तो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू
लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिसाइड बिलो फॉर माय लेटेस्ट एंड न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस टिल देन बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय